हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इनकी जे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, कैंसर के मर्ज में पकी हुई अंजीर खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर दो, चेहरे पर झाइयां या झुर्रियां आने लगे तो चेहरे पर केवल खीरा रगड़ें, कुछ दिनों में चेहरा जवान नजर आने लगेगा। नंबर तीन, रोजाना 4 बादाम खा लेने से शुगर और दिल के मर्ज की दिक्कत नहीं होगी। नंबर चार, दूध में खजूर मिलाकर जूस बनाकर पी लो, कद लंबा हो जाएगा। नंबर पाँच, पथरी हो जाए तो खीरे का रस पी लिया करो, ये पथरी निकालने में मदद करती है। नंबर छः, जिन लोगों को बलगम की दिक्कत रहती हो उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन होती है। नंबर सात, अगर आपका पेट बराबर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी हुई चीज़ों से परहेज करें। नंबर आठ, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, शुगर नहीं होगी। नंबर नौ, चेहरे पर झुर्रियां हैं तो हरी चाय पीने से झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। नंबर दस, गुनगुना पानी पीने वाले इंसान के दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। नंबर 11, देसी घी गरम करके चाटने से सूजन और जिस्म का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 12, रोजाना दही का इस्तेमाल करने से इंसान का मैदा खराब नहीं होता है। नंबर 13, ठंडे पानी से नहाने से खून का बहाव तेज होता है। नंबर 14, शाम को चावल खाने वाले बंदों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। नंबर 15, बेचैनी और थकावट होने लगे तो अनार के जूस में नींबू निचोड़कर पी लिया करो। नंबर 16, पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 17, जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत हो वो गुड़ का शरबत बनाकर पिया करें, दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 18, बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ें, स्किन और सर को ताकत मिलती है। नंबर 19, जख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगा दें, सूजन कम होने लगेगी। नंबर 20, चक्कर ना रुक रही हो तो काला नमक वाला पानी पियो, चक्कर आना रुक जाएगा। नंबर 21, करेले का रस में चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। नंबर 22, पेशाब को ज़्यादा देर ना रुके, नहीं तो किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 23, सोने से पहले अपने चेहरे पर गुलाब का अर्क लगा लें, उससे चेहरा जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। नंबर 24, अगर अचार को खराब होने से बचाना है तो उसको प्लास्टिक या स्टील के चम्मच से ना हिलाएं और ना उसमें गीला चम्मच चलाएं। नंबर 25, अंगूर खाया करो, ये गुर्दे की पथरी बनने से बचाते हैं और आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। नंबर 26, चक्कर ना रुक रहा हो तो काला नमक वाला पानी पियो, चक्कर आना रुक जाएगा। नंबर 27, सर में अचानक दर्द होने लगे तो उल्टे पांव चलना शुरू कर दो, दर्द फौरन खत्म हो जाता है। नंबर 28, इलायची का नियमित तौर पर सेवन करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में ऐंठन की समस्या को दूर करने के अलावा यह पुरुषों की शारीरिक क्षमता भी बढ़ाती है। नंबर 29, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 30, पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर 31, दिया जलाकर देखने से नज़र तेज होती है। नंबर 32, दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। नंबर 33, जैतून का तेल दुनिया का एक ऐसा तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता है, ये मोटापे से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 34,
गर्मी के दिनों में इमली का सेवन करने से सेहत को कई सारे लाभ मिलते हैं। इसका सेवन करने से गर्मी में लू लगने से बचा जा सकता है, साथ ही पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है। नंबर 35, अगर आप रोजाना केला खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 36, ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से पेट को ठंडक और सुकून मिलता है। नंबर 37, बदहजमी की शिकायत रहती हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। नंबर 38, पानी में नमक मिलाकर घर में छिड़कने से घर में मच्छर नहीं आते हैं। नंबर 39, पानी में फिटकरी मिलाकर नहाने से शरीर से पसीने की बदबू नहीं आती है। नंबर 40, बिस्तर को रोजाना झाड़कर सोने से डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। नंबर 41, पेट में सूजन की दिक्कत हो तो खाली पेट अनार खाओ, सूजन खत्म हो जाएगी। नंबर 42, सुबह खाली पेट दही खाने से खून पैदा होता है। नंबर 43, दांतों पर नीम की रोजाना दातुन करने से दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। नंबर 44, सुबह बासी मुंह गर्म पानी पीने से शरीर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं और आपका वजन तेजी से कम होता है। नंबर 45, अगर मुंह में छाले हैं तो आलू बुखारे का जूस पी लिया करो, छाले खत्म हो जाएंगे। नंबर 46, बाल लंबे करने हैं तो सिर में सूरजमुखी के तेल की मालिश करें। नंबर 47, टमाटर का सूप पीने से चेहरे की झाइयां और झुर्रियां गायब हो जाती हैं और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 48, आम को अगर ठंडा करके खाएं और ऊपर से कच्ची लस्सी पी ले तो फोड़े फुंसी वगैरह नहीं निकलेंगे। नंबर 49, अगर आप मोटापा बढ़ाना चाहते हो तो रोज 6 रोटी में अच्छी तरह घी लगाकर उबले हुए आलू की सब्जी के साथ खाएं, कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 50, जो ज़्यादा देर एक ही जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नंबर 51, जवानी में जितना ज़्यादा आलू बुखारा खा लोगे बुढ़ापे में उतनी ही शरीर में ताकत बढ़ेगी। नंबर 52, लहसुन वाली चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। नंबर 53, जमीन पर लेटने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 54, पाँव में मोच आ जाए तो उस जगह को बर्फ से रगड़ें, आराम मिलेगा। नंबर 55, नमक की मसाज करने से शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 56, अगर आपके चेहरे पर दाने हो तो उनको हाथ मत लगाएं, वरना चेहरा खराब हो जाएगा। नंबर 57, रात को सोने से पहले चेहरे को ना धोना और नींद पूरी ना करना, बंदे की ये सब आदतें चेहरे को खराब कर देती हैं। नंबर 58, सुबह खाली पेट दो भीगे अखरोट खा लेने से चेहरा चमक जाता है और आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। नंबर 59, रोजाना आड़ू इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी चंद दिनों में कम हो जाएगी। नंबर 60, खीरे को रोजाना छिलके समेत खा लेने से स्किन नर्म और मुलायम हो जाती है। नंबर 61, बालों में नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।